Hey guys, you are watching Tech Auto and my name is Tanya and today I have Mr. Ayush and Mr. Ashu with me और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ नया और अलग that you guys were asking for. तो today we are going to do a tank to tank mileage test of i20 and that we are going to share with you. हम आप लोगों के साथ अपना driving experience भी share करेंगे. So जो भी आप लोगों के issues थे regarding the mileage, so that we are going to cover up and आप लोगों के साथ हम share करेंगे mileage test. So जो लोग यहाँ पर चैनल पे नए हैं एंड फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. वहाँ पे हम लोग आप लोगों को बहुत जल्दी रिवर्ट बैक करेंगे एंड आप लोगों की क्वेरीज वहाँ पर रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो आयुष, आप मुझे बताओ कि आज हम ये टेस्ट कैसे करने वाले हैं? टेस्ट हम दो फेज में कंडक्ट करेंगे. एक फेज में मैं कार चलाऊंगा, दूसरे फेज में आशु कार चलाएगा. एंड जैसे कमेंट्स आते हैं ना कि हम लोग यहाँ मल्टीपर्पज के लिए ले रहे हैं कि हम मल्टी ड्राइवर्स करेंगे इसे ड्राइव, तो बेटर रहेगी यानी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर भी मल्टी ड्राइवर्स रखे हैं माइलेज निकालने के लिए. एंड टैंक टू टैंक का जो मतलब है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो हमने वीडियो में आगे करेंगे आपको कि टैंक टू टैंक कैसे मेजर होता है, आप देखते रहें. एंड हमने थोड़ा सा ड्राइव को लंबा रखा है, उसका भी रीज़न हम आपको आगे बताएंगे. एंड ये जो वीडियो शूट हो रहा है, ये आपका फर्स्ट सर्विस है, मतलब फर्स्ट सर्विस कार की हम करा चुके हैं, उसके बाद हम इसका माइलेज टेस्ट कर रहे हैं. टैंक टू टैंक का मतलब होता है कि टैंक में हमने पूरा लोडेड है, टैंक हमारा पेट्रोल से, देन हम ड्राइव करेंगे, फिर हम वापस जाएंगे, फिर इसको फ्यूल करेंगे वापस से, देन आपको हम बताएंगे कि हमारा कितना माइलेज आया. एंड ऑल दो इसमें टेस्ट ड्राइव में हमारा एसी पूरे टाइम ऑन रहेगा. तो अब हम आ गए हैं फ्यूल स्टेशन, अब हम फ्यूल भरवाएंगे और फिर फर्दर प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. ठीक है, सान्या जैसा मैंने प्रोसेस बताया था ना कि यहाँ पर हमने लॉक लगवा दिया है, ठीक है, तो अब हमारा फ्यूल टैंक पूरा भरा जाएगा जब तक यहाँ पर ऑटो कट नहीं होता. जैसे ही ऑटो कट हो जाएगा हम रिफ्यूलिंग बंद कर देंगे, उससे ज्यादा हम फ्यूलिंग नहीं करेंगे इस वीडियो में, ठीक है. वैसे आ जाता है पेट्रोल टैंक के सिवा भी पेट्रोल, बट हम इसके सिवा और नहीं डालेंगे. एंड जो भी है कि हमने लेंथ लंबी क्यों रखी है, उसको हम उसमें बताएंगे आपको. जब मैं अभी गाड़ी चलाऊंगा ना, तब हम डिस्कस करते हैं कि हमने वीडियो की लेंथ इतनी, मतलब राइट ड्राइव की लेंथ इतनी लंबी क्यों रखी है. ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगी जो भी हमारी रीडिंग होगी और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल पेट्रोल हमारे कितने का आया और कितना चला है, ठीक है. ओके, मैं वॉलेट ले लेता हूँ फिल करने के लिए. तक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 30 लीटर तेल आ चुका है एंड ये कट लग गया है, कट हो गया है, ऑटो कट हो गया है, तो हम यहीं पर रोक रहे हैं. 30.45 आया है, पहले भी इसमें पेट्रोल पड़ा हुआ था तो इसमें 30.45 आया है. तो गाइस, हम ड्राइव स्टार्ट करने जा रहे हैं. अभी जो टोटल रीडिंग है मैं दिखा देता हूँ, MID पे हमारी आ रही है 1730, मतलब 1730 किलोमीटर गाड़ी चल रखी है और गाड़ी एसी पे ही चलेगी पूरा, हम एसी में ही करेंगे इसको टेस्ट, जो भी हमारी टेस्टिंग है आज की. अब चलते हैं ड्राइव पर और आपको दिखाते हैं पूरा कि पूरी टेस्टिंग में हमारा कितना टाइम लगता है. सो हमारा फ्यूल अभी फिल हो चुका है एंड अराउंड 30.45 लीटर्स हमने फिल करवाया है और जितना हमने अमाउंट स्पेंड किया है दैट इज 2700 अप्रॉक्स. सो गाइज, आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट यू टू लाइक टू गेट लाइक्स 1/4 ऑफ द अमाउंट दैट वी हैव स्पेंड ऑन द फ्यूल दैट इज 600 अराउंड. सो गाइज, लाइक करना मत भूलना, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. ऐसे भी खर्च कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं भाई. सो आई हैव अ डाउट, तो मैं आयुष से पूछना चाहूंगी कि हम ये माइलेज टेस्ट कम ड्राइव पे भी तो कर सकते थे, मतलब हम थोड़ा सा कम जाते, कम किलोमीटर्स कवर करते, हम तो भी तो कर सकते थे. बिल्कुल कर सकते थे, पर क्या होता है ना उसमें, जैसे मैंने अब जो लेंथ रखी है वो 90-100 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली हमने ड्राइव का रखा है, तो इसमें क्या होता है ना, गाड़ी का पूरा फ्लो बन जाता है, पूरे फ्लो में आ जाती है कार और ये भी पता चल जाता है कि ऑन हाईवे क्या परफॉर्मेंस कर रही है कार. प्लस मैं चाहता था कि यार 20 किलोमीटर का रख दूं, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ है, जाने को हम उस पर चले जाते, पूरा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे खाली रहता है ना, खाली है तो खाली में तो मैं क्लच पे प्रायर ही नहीं आएगा. मैं चाहता था एक प्रॉपर टेस्ट मिले, एक नॉर्मल जो हम ड्राइव पे निकलती है जब गाड़ी, तब क्या रिस्पॉन्स रहता है एवरेज का, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा रखा है
एंड दो लोग चलाएंगे, आशु भी चलाएगा, मैं भी चलाऊंगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास यार कि हम ना मल्टीपल लोग चलाएंगे इस गाड़ी को तो ये कैसा चलेगी, कितना एवरेज देगी। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रैफिक कितना रहता है इस हाईवे पे, तो मेरे को बार बार क्लच लेना ही पड़ेगा। एंड भाई इसके लिए कॉपीराइट कोई मत डालना मेरी वीडियो पे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मेरी गलती रही है अगर बाहर कुछ भी हो रहा हो तो। So you didn't want कि खाली रोड पे ट्रैवल ना करूं। खाली रोड पे मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता था, और ना मैं ऐसा देना चाहता था कि भाई हम चल रहे हैं 50-60 की एक कांस्टेंट स्पीड है, हम कोई कांस्टेंट स्पीड इसमें रखेंगे नहीं, इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे कि हम लोग माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, हमारी ये पर्सनल नॉर्मल एक ड्राइव है, बट उसके उसमें ही हम एक माइलेज टेस्ट का वीडियो भी बना रहे हैं, जिससे लोगों को ना एक अप्रोप्रिएट मिल जाए कि हाँ हमें ना इतना एवरेज ये कार देगी। अब ये तो मैं रख नहीं रखने का मन था नहीं मेरा, मींस कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीड में चलाऊं 50-60 पे और इसका एवरेज निकाल करके मैं दे दूं, क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड पे हमेशा चलती नहीं है, जब गाड़ी निकलती है तो वो वेरिएबल स्पीड पे चलती है, इसी वजह से मैंने लेंथ इसकी थोड़ी लंबी रखी है कि वेरिएबल स्पीड रहे, एंड मींस व्यूअर्स को थोड़ा एक एक्यूरेट अच्छा मिले वीडियो में कि हाँ ये एक्यूरेट है तो ये माइलेज टेस्ट हुआ, अदरवाइज तो मैं भी कर सकता था कि मैं 40-50-60 की स्पीड जाता, मेरे दिल्ली एक्सप्रेसवे पे क्लच भी मेरे को प्रेस नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, एंड एवरेज में ला देता इसका 18-19-20 जितना भी होता वो आ जाता, जितना कंपनी क्लेम करती है। बट हम देखना चाहते हैं कि एक सारी जो सिचुएशंस रहती है ना हाईवे की जब हम चल रहे हैं उसमें गाड़ी का क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा रखा। ओके ग्रेट, तो आप ये बताओ वेयर आर वी हेडिंग टू? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मंसूरपुर। ओके, सो आयुष आप मुझे ये बताओ हाउ द कार इज परफॉर्मिंग ऑन हाईवे। हाईवे पे जो है ना सबसे ज्यादा रोल होता है बॉडी रोल, जब हम स्पीड में चलते हैं, अभी आपने भी देखा होगा कि 100 प्लस गई थी गाड़ी, बट ना कोई ऐसा सच डिसबैलेंस वाली चीज आई नहीं, जैसे गाड़ी डिसबैलेंस हो रही हो या फिर कुछ और, ऐसा कुछ फील हुआ नहीं। बॉडी रोल जो है ना इस कार में फील होता नहीं है, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो बहुत ज्यादा दिया गया है, अगर सेगमेंट की भी बात करो तो सेगमेंट में ही सबसे ज्यादा, प्लस सब कॉम्पैक्ट में भी अगर देखूं तो सब कॉम्पैक्ट में भी सबसे ज्यादा ही है, इससे ज्यादा व्हील बेस तो कोई देता नहीं। बॉडी रोल तो बहुत अच्छा कट करती है, मजा आ रहा है चलाने में। देन जो पावर है, पावर रिस्पॉन्स, मतलब जैसे ही आप एक्सीलरेट करते हो ना गाड़ी एकदम से पावर पकड़ती है, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़े से आरपीएम के बाद ऐसा लगेगा कि गाड़ी पावर पकड़ रही है, तुरंत गाड़ी पावर पकड़ती है। एंड स्टेयरिंग से मैं कहूंगा कि स्टेयरिंग यार सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जब हम हाईवे पर निकले जैसे ही हम हाई स्पीड में जाते हैं ना स्टीयरिंग क्या है हमारे स्टीयरिंग टाइट हो जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो 100 के अबव है गाड़ी, 107 चल रही है, तो ये रोड बहुत ज्यादा बेकार है, इसमें थोड़ी सी आवाजें आ रही है ना, तो कोई मेरे को बॉडी रोल तो फील होता नहीं है, एंड जो स्टीयरिंग है वो काफी टाइट हो जाता है ताकि एकदम से लेफ्ट या राइट गाड़ी चली आ जाए, इसमें काफी ज्यादा अच्छा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। दैट्स नाइस, बहुत ही बकवास रोड है मैं ये कहना चाहूंगा। तो तानिया आप बताएं आपको कंफर्ट कैसा लग रहा है, इंटीरियर कैसा लगा है, एंड म्यूजिक सिस्टम कैसा लग रहा है? देखो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द कंफर्ट, तो हमारा सबसे पहला जो एक चीज होती है दैट इज कि वी वांट टू स्लैकन डाउन द डिस्कम्फर्ट, और वो चीज यहाँ पर है, मुझे काफी फिजिकल ईज मिल रही है यहाँ पर, तो आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ पेन, तो मुझे उसका कम्फर्ट जोन जो है बहुत अच्छा लगा, काफी कम्फर्टेबल है सीट्स। और इंटीरियर की बात करूँ तो हाँ इंटरनल केबिन अच्छा है कार का, काफ़ी एडमायरेबल है, एंड म्यूजिक चला दो तभी मैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताऊँगी। ओके, सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और मतलब मैं पर्सनली बहुत सोचती हूँ कि हाँ बेस अच्छा होना चाहिए कार में, तो हाँ है अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। सो या तो हम लोगों को काफ़ी कमेंट्स देखने को मिलते हैं सस्पेंशन को लेके इस कार की, सो अब मिस्टर आशु से पूछते हैं कि क्या सच में उनको इश्यू लगता है सस्पेंशन में या नहीं? मेरे को ऐसा सच कोई इश्यू तो लगता नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप हाईवेज की बात करोगे तो जैसे जब जो रोड होती है अगर वो लेवल ना हो ना, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको फील होता है बॉडी रोल का, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी 105, 110, 128 ऐसे चल रहा हूँ, तो बॉडी रोल बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, यानी कि जो इसका सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, तो इन हाईवेज तो आपको बिल्कुल भी ऐसे कोई पता नहीं चलने वाला कि मतलब इसमें जो सस्पेंशन है कि उसके अंदर कोई कमी है।
बट आप सिटी में थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो गड्ढे वगैरह आते हैं वो आपको थोड़ा सा महसूस हो जाते हैं, पता चल जाते हैं, तो सिटी में थोड़ा सा माइनर इशू है। बट यार इतना इशू कौन देखता है, जब आप ना आप गाड़ी ले रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, इतना तो कोई भी ऑब्जर्व नहीं करता। ये तो बस कहने वाली बात हो गई कि आपको कंपेयर करना दो गाड़ी को, है ना, तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है इसका सस्पेंशन, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा। ओके तो अब हम लोग आ गए हैं वापस से उसी फ्यूल स्टेशन पे जहाँ से हमने फ्यूल फिल करवाया था। तो अब आपको आशु बताएंगे कि कितने किलोमीटर्स हमने कवर किया है और कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कि हमने जब चालू किया था तो 1730 किलोमीटर हो रखे थे, एंड अब जो हमने ड्राइव कर लिया है उसके बाद हो रहे हैं 1805। इसका मतलब ये है कि लगभग हमने 75 किलोमीटर इसको ड्राइव किया है। एंड आप सामने देख सकते हैं कि ये वही पेट्रोल पंप है जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। तो अब इसके अंदर हम ऑटो कट से फिर से डलवाएंगे पेट्रोल, एंड और जहाँ पर ऑटो कट हो जाएगा तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमने 75 किलोमीटर में कितना पेट्रोल का कंजप्शन किया है। जैसा कि हमने बताया था ना कि हम टैंक टू टैंक लेंगे, तो हम टैंक टू टैंक ले रहे हैं। अभी 75 किलोमीटर की ड्राइव करके आए हैं, फिर से डलवा रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 लीटर आ गया, 5.6 लीटर आया है, दिखा दें मशीन पे, 5.6 निकाल दो और अब हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि हमारा कितना बैठा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने जो गाड़ी को चलाया था वो था 1805 किलोमीटर पे, ये उसकी फाइनल रीडिंग थी। एंड हमने जो स्टार्ट किया था 1730 किलोमीटर से किया था, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमने 75 किलोमीटर से चलाया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो हमने ड्राइविंग की है वो थोड़ी सी रफ ड्राइविंग की है इस बार, एंड पूरे के पूरे रास्ते में एसी ऑन रहा था। इसे मैंने भी चलाया था, आयुष ने भी चलाया था, एंड इसकी जो हमारी आज की जो टॉप स्पीड थी वो 128 थी जिसे हम लेके गए थे ऑन हाईवे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो इसमें लास्ट में टैंक टू टैंक मेजर किया है एंड ऑटो कट पे ये लास्ट में 5.60 लीटर दिखा रहा है, तो मैं इसे लगभग 5 लीटर मान के चलता हूँ, है ना, अप्रोक्स करने के लिए। तो 75 किलोमीटर ड्राइव करा है एंड उसके अंदर जो पेट्रोल लगा है वो लगा है ऑलमोस्ट 5 लीटर। आप चाहें तो उसे 6 लीटर भी समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ 5 लीटर। तो उस हिसाब से जो हमारा एवरेज बनता है 75 डिवाइड बाय 5, तो वो जो एवरेज बैठा वो है 15 किलोमीटर पर लीटर। तो ये था I20 का माइलेज टेस्ट जिसमें हमने ड्राइव किया ऑन हाईवे एंड हमने इसको रफ ड्राइव किया। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका माइलेज कैसे आता है, एंड अगर आप इसे 100 से ऊपर भी भगाएंगे तो भी आपको इसको 15 से 16 किलोमीटर मिल जाएगा आपको। सो होपफुली आप लोगों की सारी क्वेरीज वी हैव कवर्ड अप, और अगर कुछ रह गया हो तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इवन ऑन इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। And that's it for this video. Hope to see you soon in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and have a nice day.